महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले तक बीजेपी के साथ ही रही शिवसेना फिलहाल बीजेपी पर हमलावर दिख रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है। एक बार फिर से संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल CAA पर शिवसेना बैकफुट पर दिख रही है। बीजेपी के देश हित में CAA लागू करने पर एक बड़ा वर्ग बीजेपी से खुश दिख रहा है, जिसका खामियाजा शिवसेना को अगले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। शिवसेना कांग्रेस के साथ जाकर अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। यही वजह है कि संजय राउत बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग का विचार शेयर करते हुए संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा, जहां सियासत धार्मिक मसलों को शांत करे वो देश महान होता है, जहां सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे, समझो देश को गलत लोग चला रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब ये सब बोलकर संजय राउत क्या साबित करना चाहते हैं? जबकि कांग्रेस से हाथ मिलाने से पहले शिवसेना की विचारधारा हिंदुत्व की रही है, और ये सबको मालूम है कि शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी जमीन तैयार की है। अब ऐसी बातें संजय राउत को क्यों कहना पड़ रहा है, जबकि पहले संजय राउत राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी के पक्ष में बोलते थे। नागरिकता संशोधन बिल पर भी लोकसभा में शिवसेना ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन जब कांग्रेस से फटकार पड़ी तो राज्यसभा में संजय राउत की चाल ही बदल गई। बहरहाल संजय राउत कुछ भी कहें, लेकिन उनके बयान से यही लग रहा है कि संजय राउत अब कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी दिलचस्प मोड़ देखने को मिला। शिवसेना सत्ता के लिए बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और NCP से हाथ मिला लिया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उद्धव के CM बनने से पहले जो सियासी ड्रामा चला उसमें एक अहम किरदार अजित पवार का था। अजित और फडणवीस ने मिलकर 23 नवंबर की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था। हालांकि बाद में शरद पवार ने NCP के सभी विधायकों को अपने पाले में लाकर अजित का खेल बिगाड़ दिया था, लेकिन चाचा शरद पवार ने भतीजे अजित पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब अजित पवार को घर लौटने का इनाम मिलने वाला है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें अजित पवार भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवसेना के नेता संजय राउत ने हाल ही में ऐसा बयान दिया कि अजित उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सवाल ये है कि क्या शरद पवार अजित के बगावत को भूल गए? क्या पार्टी अजित पवार को माफ कर दिया? NCP में ऐसे नेता हैं जो अजित पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ है। जयंत पाटिल को उम्मीद थी कि वे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर अजित पवार को उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता तो अजित फिर से बगावत कर सकते थे और इस बार पूरी तैयारी से विद्रोह करते। यही वजह है कि लंबे मंथन के बाद शरद पवार और गठबंधन ने फैसला लिया कि सरकार को बचाए रखना है तो अजित को बड़ी जिम्मेदारी देना होगा। इसके अलावा अजित पवार पर चल रहे सिंचाई घोटाले की जांच करने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक हलफनामा दायर किया। इस हलफनामा में ब्यूरो ने अजित पवार को क्लीन चिट दे दी और घोटाले का सारा ठीकरा सरकारी अधिकारियों पर फोड़ दिया और अजित पाक साफ हो गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि से पूरी दुनिया का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। दुनिया ने PM मोदी का लोहा माना है, यह कहना गलत नहीं होगा। नागरिकता कानून पर जिस तरह से कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है, उससे PM मोदी ने कांग्रेस की परेशानी बता दी। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस देश के लोगों को CAA पर केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी थी, लेकिन रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान से PM मोदी ने कांग्रेस की राजनीतिक रोटियां सिकने से पहले ही आटा गीला करके कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। PM मोदी ने रामलीला मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित किया। रैली को देखकर विपक्ष की हवा जरूर निकल गई होगी। जितनी भीड़ इस रैली में थी उससे साफ दिख रहा है कि CAA पर देश के लोगों ने PM मोदी के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। PM मोदी ने कहा कि मुस्लिम बहुल देशों में उन्हें मिल रहे जबरदस्त समर्थन से कांग्रेस और उसके सहयोगी परेशान हैं और इसलिए वे भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं। मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी आज इस बात से भी तिलमिलाए हुए हैं
कि आखिर क्यों मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर के मुस्लिम बहुल देशों में इतना समर्थन मिल रहा है, क्यों वे देश मोदी को इतना पसंद करते हैं। अफगानिस्तान हो या फिलिस्तीन, सऊदी अरब हो या यूएई, मालदीव हो या बहरीन, इन देशों ने भारत को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 5 साल में मुस्लिम देशों ने जितनी संख्या में भारतीय कैदी को छोड़ा है वो अप्रत्याशित है। मतलब साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुस्लिम देशों ने जिस तरह से मोदी का समर्थन किया उससे तो ये साफ है कि मोदी देश में सिर्फ और सिर्फ विकास के नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए साफ शब्दों में कहा कि जो लोग कागज कागज सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के नाम पर मुस्लिमों को भ्रमित कर रहे हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमने गरीबों की भलाई के लिए योजनाओं और लाभार्थी चुनते समय कभी कागजों की बंदिशें नहीं लगाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और वे लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही थी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को जोरदार झटका लगा है। दरअसल नागरिकता कानून के खिलाफ ममता बनर्जी ने कई माध्यमों पर विरोध में विज्ञापन दिया था, इसमें टीवी चैनल और वेबसाइट भी शामिल है। इसके अलावा बंगाल के कई जगहों पर बैनर और पोस्टर भी लगाया गया था जिससे लोगों में भ्रम फैल रहा था। ममता बनर्जी के CAA के खिलाफ लगाए गए विज्ञापनों के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में 6 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी जिनमें वेबसाइट और अन्य जगहों से सभी विज्ञापन को तत्काल हटाने की मांग की गई थी और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ममता सरकार को सभी विज्ञापन हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ममता बनर्जी बैकफुट पर दिख रही है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि वे बंगाल में CAA और NRC लागू नहीं करेंगी। ममता बनर्जी लगातार रैली करके और विज्ञापन देकर लोगों में CAA के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आभार रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आज ममता दीदी कोलकाता से सीधे संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई, लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। बहरहाल ममता बनर्जी फिलहाल वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को भी अपनाने को तैयार है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है और लोकसभा 2019 में ममता बनर्जी की पार्टी TMC बंगाल में हाफ हुई है। यही देखते हुए BJP को उम्मीद है कि 2021 में TMC बंगाल से साफ हो सकती है। ममता बनर्जी लगातार नागरिकता कानून का विरोध कर रही है और कोलकाता में रैली करके BJP और केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं, लेकिन BJP ने कोलकाता में जोरदार रैली और रोड शो करके ममता बनर्जी को बता दिया कि भले ही आप कुछ लोगों को गुमराह करके भीड़ इकट्ठा कर ले, लेकिन जनता कुछ और ही चाहती है। कोलकाता में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को देखकर ममता बनर्जी की नींद जरूर उड़ गई होगी। BJP ने कोलकाता में रैली को आयोजन करके ममता बनर्जी को यह संदेश दिया कि अब की बार बंगाल में BJP सरकार। बहरहाल BJP ने लोगों को यह भी बताने की कोशिश की कि जब ममता बनर्जी CM नहीं थी तो चीख चीख कर वो बोलती थी कि शरणार्थियों को नागरिकता मिलना चाहिए और घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन अब वोट बैंक के लिए दीदी घुसपैठिए की तरफदारी कर रही है। कोलकाता के BJP के रैली में जो भीड़ जुटी उसे देखकर BJP काफी गदगद है और दीदी के खिलाफ हल्ला बोलने को तैयार है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने रामलीला मैदान से CAA पर लोगों के हर सवाल का जवाब दिया और लोगों से अपील भी किया कि विपक्ष के चाल में ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।